Good morning, dear student. Our today's topic is electric potential due to group of charges. Suppose that कई सारे charges रखे हुए हैं. मान लीजिए एक point P है और इससे R1 distance पे Q1 रखा है, R2 डिस्टेंस पे Q2 रखा है, इसी तरह से कई सारे चार्जेस. मान लीजिए R nth डिस्टेंस पे Q nth रखा है, मींस कई सारे चार्जेस हैं जो इस पॉइंट P से R1, R2, R3 इस तरह से करते करते R n डिस्टेंस पे, यानी Q1 R1 डिस्टेंस पे, Q2 R2 डिस्टेंस पे और Qn मतलब Q3 R3 पे होगा, Q4 R4 पे होगा. ठीक है, इसी सिमिलर पैटर्न पे हम कहां तक चले गए, Qn तक चले गए. Qn कितनी दूरी पे है, Rn दूरी पे है. तो इस P पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P will be sum of all the potentials produced due to charges. क्या मतलब होगा कि P पे जो net potential होगा, यानी V, इस P का जो होगा वो क्या होगा, जो ये Q1 जो वहां पोटेंशियल जनरेट करेगा, प्लस Q2 जो पोटेंशियल जनरेट करेगा, प्लस जो Q3 यहां पे होगा वो जो जनरेट करेगा, प्लस इसी तरह से Qn जो जनरेट करेगा, यानी सारे पोटेंशियल्स को हम जोड़ देंगे. क्या मतलब हुआ कि V is equal to, V1 की वैल्यू क्या होगी, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R1 plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 upon R2 plus dot dot dot. इसी तरह से Vn की वैल्यू क्या होगी, 1 upon 4 pi epsilon naught Qn upon Rn. यहां से हम चाहें तो 1 upon 4 pi epsilon naught कॉमन ले सकते हैं. तो अगर हम 1 upon 4 pi epsilon naught कॉमन ले लें तो Q1 upon R1 plus Q2 upon R2 plus dot 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 Qn upon Rn, ये हमारा required potential, net potential at point P होगा. यानी P पे जो हम potential निकालते हैं वो सबका sum होता है, overall का sum होता है. इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए और सबका potential निकाल के जोड़ दीजिए. जैसे आइए एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं. लेट अस टेक वन एग्जांपल फॉर दिस. जैसे मान लीजिए, सपोज दैट ये हमने एक स्क्वायर ले लिया. मान लीजिए यहां पे 1 कूलम कूलम चार्ज है, यहां 2 कूलम है, यहां -3 कूलम है और यहां 4 कूलम है. एक एग्जांपल ले रहे हैं हम जिसमें हमने एक स्क्वायर लिया. दिस इज अ स्क्वायर और स्क्वायर की साइड कितनी ले ली, √2. दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर, स्क्वायर ए बी सी डी, दिस इज अ स्क्वायर ए बी सी डी. ए पे 1 कूलम, बी पे 2 कूलम, सी पे -3 कूलम और डी पे 4 कूलम चार्ज रख दिया. ठीक, और इस स्क्वायर की साइड कितनी ले ली, √2 मीटर, मीटर में ले लीजिए, √2 मीटर हो गया. हमारा टारगेट है इस स्क्वायर के सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको निकालना. तो सबसे पहले
मुझे हर चार्जेस से, जैसे ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस चाहिए होगी। ऑब्वियस सी बात है, ये सेंटर है तो ये सारे डिस्टेंस बराबर होंगे। और देखने से क्लियर कट हमें पता है कि ये क्या है, बीडी हमारा डायगोनल है या एसी हमारा डायगोनल है और ये डायगोनल का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले हमको डायगोनल निकालना होगा। तो डायगोनल, डायगोनल कैसे दिया जाएगा, चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए ये भी साइड रूट टू है और ये भी साइड रूट टू है। तो इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो बीडी हमारा हाइपोटूनियस है और हाइपोटूनियस कैसे निकलता है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर यानी रूट टू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी रूट टू का स्क्वायर यानी टू प्लस टू 4 यानी 2 मीटर। अगर ये सब हमने मीटर में लिया है तो 2 मीटर, तो ये सारी डिस्टेंस कितनी हो गई, 2-2 मीटर हो गई। ये भी 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर। तो देयरफॉर अगर ये सारा 2-2 मीटर है तो अब मान लीजिए सेंटर O है तो नेट पोटेंशियल एट सेंटर O कितना होगा, नेट पोटेंशियल एट सेंटर O V इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से। तो क्या निकाले थे, 1/4πε0 फॉर्मूला क्या निकाले थे, Q1/R1 Q2/R2 प्लस डॉट 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 ऐसे Qn/Rn। यही हम लोगों ने अभी अभी जस्ट पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस का फॉर्मूला लगा निकाला है। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू 9×10⁻⁹ Q1/R1 यानी 1/2 प्लस 2/2 प्लस -3/2 और प्लस 4/2। हमने क्या किया, जो हमने फॉर्मूला ये निकाला था उस फॉर्मूले पे हम लोगों ने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब सिंपल उस फॉर्मूले पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक, तो अब हमारा क्या आएगा रिक्वायर्ड, जरा देखिए V इज इक्वल टू 9×10⁹ 0.5 प्लस 1 माइनस 1.5 और प्लस 2। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 18×10⁹ वोल्ट। तो हमारा नेट पोटेंशियल क्या आ गया इस सेंटर पॉइंट पे, 18×10⁹ वोल्ट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड पोटेंशियल ड्यू टू दिस 4 चार्जेस एट सेंटर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। देखिए अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए ये हमने एक माइनस क्यू, ये हमने प्लस क्यू चार्ज ले लिया, बोथ आर सेपरेटेड बाय 2a डिस्टेंस, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब इस डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमें निकालना है वो दो पोजीशन पे हम निकाल सकते हैं, या तो हम एक्सियल लाइन पे निकालें और नहीं तो हम ये सेंटर ओ है तो इक्वेटोरियल लाइन पे निकालें। तो इन दोनों पे हम लोग एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इक्वेटोरियल लाइन लेता हूं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इक्वेटोरियल लाइन, यानी सबसे पहले हम डील करेंगे कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए, हमने माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज सेंटर ओ डिस्टेंस ए दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 2a। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 2a। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस इज फॉर्मिंग अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारा टारगेट है इस डाइपोल से एट अ डिस्टेंस आर, एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस डाइपोल की वजह से क्या होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे इसके लिए, देखिए हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे और इस लाइन को भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक। अगर देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्यों, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस लगाएंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी दोनों चार्जेस से पॉइंट पी इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो अभी अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस पढ़ा था, तो ये भी पोटेंशियल जनरेट करेगा, ये भी पोटेंशियल जनरेट करेगा, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से, इसकी वजह से इस पे कितना होगा V प्लस क्यू, कितना होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन, अब यहां प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वेशन 1। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यही होता है 1/4πε0 क्यू बाई आर ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहां पे आर की जगह ये डिस्टेंस रखेंगे और ये डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वेशन 1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू माइनस क्यू, माइनस क्यू इस पॉइंट पे कितना जनरेट करेगा जरा देखिए, V माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। माइनस क्यू क्यों लगाए हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल इक्वेशन 2, ठीक। फ्रॉम 1 एंड 2, एक और दो से क्लियर है कि V प्लस क्यू जो है वो भी माइनस क्यू के बराबर और अपोजिट है, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इज इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल है इज इक्वल एंड अपोजिट टू वी माइनस क्यू। देख लीजिए क्लियर है, दोनों जो है इक्वल एंड अपोजिट है। अपोजिट का मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो देखिए, देन नेट पोटेंशियल एट पी, पी पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू V प्लस क्यू
और v माइनस q, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, अब देखिए दोनों ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ओवरऑल क्या हो गया जीरो, यानी इक्विटोरियल पोजीशन पे, इक्विटोरियल पोजीशन पे हर समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा जीरो होगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। यानी अगर डाइपोल के इक्विटोरियल पोजीशन की हम बात करें तो हमेशा वहां क्या होता है पोटेंशियल जीरो होगा। क्लियर है, कोई डाउट हो प्लीज स्टूडेंट यू कैन आस्क।